30 नवंबर को जो चारबाग से नई दिल्ली जाती है ट्रेन एसी स्पेशल, वहाँ से दिल्ली में पहुंचकर यात्री ने जीआरपी दिल्ली को ये सूचना दी कि वो चारबाग में उसके पास नकदी लगभग, वो व्यापारी था, और नकदी लगभग 3.5 लाख रुपये थी और उसकी चोरी हो गई है। इस संबंध में उसने जीआरपी दिल्ली को सूचना दी, तत्पश्चात वहाँ से सूचना हम लोगों को मिली और इसके अतिरिक्त इनके साथ अतिरिक्त साथी हैं, ये सभी मिलकर के स्टेशन, बस अड्डा और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के आसपास बिल्कुल स्वयं कोऑर्डिनेट एक दूसरे से लिंक्ड होकर के रेकी करते हैं कि कोई भी आदमी जो सफ़र कर रहा हो वो उसके पास एक अच्छा सामान हो उनके पहनावे को देख करके, और रेकी करके बहुत ही शातिर तरीके से कि आदमी की नज़र ओझल होते ही वो उसके सामान चोरी कर लेता था। पूर्व में भी इसने लगभग 28 किलो चांदी एक व्यापारी की चोरी की थी, और जीआरपी चारबाग को इस संबंध में सफलता हासिल हुई है। 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। इनसे कड़ी पूछताछ के बाद इनके अन्य साथी, जो 7 साथी हैं, वो सभी एक ही बिरादरी के हैं और अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं, और इनको भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। और इनके पास से 3.5 लाख में से 1 लाख रुपये जो है नगद बरामदगी किया है, और इसके अतिरिक्त इनके पास से एक मोबाइल बरामद किया गया है, और इनसे पूछताछ की जा रही है। अन्य बरामदगी के लिए इनके साथी जो अन्य अभियुक्त हैं, दबिशें दी जा रही है एक टीम द्वारा, और हमारी पूरा प्रयास होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इनके जो रकम है उनको हम बरामद कर लें। ये इनके काम करने का जो तरीका है कि ये लोग आपस में शराब और साथी लोग हैं, शराब नशे आदि का भी सेवन करते हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी है कि पैसे को लेकर करके चोरी कर करके उस पैसे से अय्याशी करते हैं। सर, ये जो 3 आरोपी पकड़े गए, इनका आपस में संबंध संभव है कि एक दूसरे के रिश्तेदार भी होंगे, लेकिन ये लोग आपस में जुड़े हुए हैं और ये लोग साथ में ही चल करके अपराध को कारित करते हैं। इनका काम करने का तरीका इस तरह से होता है कि कोड में और एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, और इशारे से बहुत शातिराना तरीके से वो अपने टारगेट को चिन्हित करते हैं और उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। सर, जो 3 आरोपी पकड़े गए हैं, इसका मुख्य आरोपी कौन है, उनके साथ क्या और भी लोग हो सकते हैं? बिल्कुल, इनमें हमने 3 किए हैं, इसमें मुख्य नहीं है, सभी लोग का इक्वली उतने ही चलाक हैं, सभी लोग बिल्कुल स्किल्ड है मतलब चोरी करने में, और इनके साथ अन्य साथी हैं, हमने उनको बिल्कुल आइडेंटिफाई कर लिया है और उनको पकड़ने के लिए दबिशें दी जा रही हैं, शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। ठीक है सर।